क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि भारत के दक्षिण में एक मंदिर है जिसके बारे में अफवाह है कि इसकी दीवारों के भीतर क्या आपके पास अपने निकटतम शहर के प्रत्येक व्यक्ति की संयुक्त संपत्ति से अधिक संपत्ति है? मुझ पर विश्वास करो। नहीं हिम्या, नहीं। वर्ष 2014 में भारतीय राज्य केरल में अधिकारियों को एक गुमनाम टिप दी गई थी। ग्रह पर सबसे धनी धार्मिक संस्थानों में से एक के प्रशासनिक क्रम में भ्रष्टाचार और धन के कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए मानव स्वामी मंदिर में नींद एक ऐसा भव्य मंदिर। इमारत के कुछ हिस्सों पर वास्तव में सोने की परत चढ़ी हुई है। इस मंदिर में इतने कीमती खजाने होने की अफवाह है कि यह दुनिया के कुछ सबसे अमीर शहरों की संपत्ति से भी ज्यादा है, और वहां भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के कारण मामला जल्दी ही केरल के उच्च न्यायालय में पहुंच गया। केरल सरकार ने दावा किया कि उन्हें त्रावणकोर के शाही परिवार से मंदिर का नियंत्रण ले लेना चाहिए। सदियों से मंदिर पर उनका स्वामित्व था। राज्य सरकार ने मंदिर की संपत्तियों की गहन जांच और सूची बनाने की मांग की। यह एक ऐसा कार्य था जिसके लिए मंदिर के प्राचीन तहखानों को खोलना आवश्यक था, जिनमें से कुछ को मार्शी के युग के बाद से दिन की रोशनी में नहीं देखा गया था। पूरे न्यायालय में तनाव की गूंज थी और मामले ने पूरे देश को जकड़ लिया। शाही परिवार ने इस तरह के किसी भी इन्वेंट्री पर्स के खिलाफ जमकर बहस की। आप देखिए, वे कई लोगों के बीच उनका मानना था कि मंदिर को अछूता छोड़ना ही बेहतर है, ताकि अदृश्य शक्तियों को परेशान न किया जा सके, जिनके बारे में अफवाह थी कि वे इसके आंतरिक कक्षों की रक्षा करती हैं। और कम से कम शुरुआत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने भी सावधानी से आगे बढ़ने का फैसला किया। उन्होंने पूरे चित्रण की देखरेख के लिए 7 सदस्यीय समिति नियुक्त की, जबकि एक अभूतपूर्व अन्वेषण की शुरुआत हुई। भारत के सबसे रहस्यमय स्थलों में से एक में प्रवेश अभी अभी शुरू हुआ था। समिति के लोग जमीन के इस खालीपन की गहराई में उतरने लगे। उनका दिल धड़क रहा था। आखिरकार महीनों से ऐसी अफवाहें फैल रही थीं कि जो लोग मंदिर के छिपे हुए खजाने की पवित्रता को भंग करने की हिम्मत करेंगे, उन्हें श्राप और दैवीय दंड मिलेगा। उन्होंने जो खोजा वह यह था कि अकल्पनीय खजाने, जिन्हें अदालत ने वॉल्ट ए कहा है, मंदिर के कई प्राचीन तहखानों में से एक। इसमें अकेले ही वह खजाना था जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल था। हिंदू देवता भगवान विष्णु की 32 किलो वजनी शुद्ध सोने की मूर्ति, 800 किलोग्राम सोने के सिक्के, जिनमें कई रोमन और मध्यकालीन यूरोपीय सिक्के, साथ ही भारतीय सिक्के भी शामिल हैं। हजारों स्वर्ण आभूषणों के बीच एक शुद्ध सोने की चेन के लिए 5.5 अंगूठियों का विशाल सेठ, हीरे, माणिक, पन्ना, नीलम और भी बहुत सारे खजाने। यह सारा खजाना बस फर्श पर पड़ा था। लकड़ी के बक्सों के अवशेष जिनमें ये खजाने रखे थे अब सड़ चुका था। कीमती सामान धूल और लकड़ी के टुकड़ों की परत में लिपटे रह गए। अकेले इस तिजोरी में $12 अरब से ज्यादा का खजाना था। यदि हम अन्य सुलभ तिजोरियों में प्राप्त निष्कर्षों को शामिल कर लें, तो यह कुल राशि $22 अरब तक पहुंच जाती है, और यह केवल संसाधन का मूल्य है, मुद्रास्फीति का कोई औचित्य नहीं है। उनके ऐतिहासिक मूल्य का भी हिसाब नहीं लगाया गया, जिसके बारे में कुछ सूत्रों का कहना है कि यह 10 गुना बड़ा हो सकता है। लेकिन इस मंदिर में एक और तहखाना है जो इससे भी बड़ा माना जाता है और जिसकी सूची नहीं बनाई गई। श्रेया पद्मलांबा स्वामी मंदिर शायद भारत के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। कई प्राचीन हिंदू पुराण ग्रंथों और धम्म संगम साहित्य में इसका उल्लेख स्वर्ण मंदिर के रूप में किया गया है। यह उस अविश्वसनीय धन संपदा को दर्शाता है जो हमेशा से ही यहाँ मौजूद रही है। लेकिन यहाँ इतनी संपत्ति क्यों है? खैर, भारत के सुदूर दक्षिण में स्थित केरल उत्तर के समृद्ध मंदिरों के आक्रमणों और छापों के संपर्क में नहीं आया, और इसलिए दक्षिण के खजाने बड़े पैमाने पर अपनी जगह पर ही बने रहे। इसके अलावा केरल के लंबे समुद्री इतिहास के कारण विश्व भर से व्यापारी यहाँ आते थे और यहाँ के तटीय क्षेत्रों में रहते थे, जिसके कारण मंदिर के तहखानों में भारी मात्रा में विदेशी मुद्राएं पहुंच गईं। इस प्रकार ये तिजोरियां सहस्राब्दियों से भरती रही हैं। भारत के दक्षिण में स्थित केरल में अनेक अत्यंत धनी मंदिर हैं, जैसे कि तिरुपति बालाजी मंदिर, जिसकी सूची भगवान के वर्ष में बनाई गई थी और पाया गया कि इसमें लगभग $30 अरब की संपत्ति है। स्वाभाविक रूप से इससे हमारे मन में यह प्रश्न उठता है, इन मंदिरों के पास इतनी संपत्ति क्यों है? यह समझना महत्वपूर्ण है कि प्राचीन भारतीयों के लिए मंदिर का क्या अर्थ था। मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं थे, वे समुदाय के केंद्र थे। वे बैंक, गिल्ड हाउस, शिक्षण संस्थान, स्थानीय न्यायालय, कर संग्रह कार्यालय और राज्य प्रशासन के रूप में कार्य करते थे, और इस प्रकार किसी मंदिर की समृद्धि उस क्षेत्र की समृद्धि का संकेत देती थी जिसमें वह स्थित था। समय के साथ मंदिर बड़े परिसरों में विकसित हो गए, ताकि वे उन सभी विभिन्न संस्थाओं के रूप में कार्य कर सकें जिनका उल्लेख हमने पहले किया था। और हाँ, जैसे जैसे मंदिर समृद्ध होते गए, वे अपनी सारी संपत्ति एक या दो कक्षों में नहीं रख सकते थे, उन्हें कई निर्माण करने पड़े। तिजोरी, जिनमें से कई भूमिगत बनाए गए थे, मंदिर पर आक्रमण करने वालों के विरुद्ध अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए। हमने अपनी कहानी में भी बताया था कि श्री मनोभस्वामी मंदिर में कई तहखाने थे, और हालांकि मंदिर के अधिकांश तहखाने खोल दिए गए थे, वहां एक तिजोरी बाकी की तुलना में बहुत बड़ी है, जिसे सदियों से नहीं खोला गया है, वह वॉल्ट भी है।
यह अब तक का सबसे रहस्यमय तहखाना है और मंदिर के देवता शिव पद्मनाभ से सबसे गहराई से जुड़ा हुआ है। वॉल्ट भी न केवल बाकी की तुलना में बहुत बड़ा है, लेकिन यह भी सबसे अधिक किंवदंती में लिपटा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि 30 के दशक में जब मंदिर पर हमला करने वाले लुटेरों के एक गिरोह ने वॉल्ट बी के खजाने को खोलने और लूटने की कोशिश की, उन पर कई बड़े सांपों ने हमला किया जो कहीं से भी प्रकट हो गए थे, जिससे यह विश्वास पुष्ट होता है कि मंदिर अलौकिक शक्तियों द्वारा सुरक्षित है। वास्तव में किंवदंती है कि कई शताब्दियों पहले बुद्धिमान आशियों ने विशेष मंत्रों से तिजोरी के द्वार बंद कर दिए थे, जिससे यदि कभी कोई कक्ष से कुछ चुराने की कोशिश करता तो खजाने की रक्षा के लिए नागों का आह्वान किया जाता था, और इसलिए केवल एक उच्च क्षमता वाला संत या आर्ष ही अभिशाप को दूर करने में सक्षम है। गुरु धर्म मंत्र का उचित तरीके से जाप करके तथा जो भी कम सक्षम हो उसे बलपूर्वक प्रवेश करने से रोककर थिरुवनंतपुरम शहर पर बहुत बड़ा दुर्भाग्य आ पड़ा और उसके लोग। एक और कहानी यह है कि जब मंदिर के अधिकारियों ने द्वार खोलने की कोशिश की तो 100 साल से भी अधिक पहले उन्होंने तब हार मान ली जब उन्होंने दूसरी ओर से लहरों की आवाज सुनी, जिससे पता चला कि यह रास्ता अरब सागर की ओर खुलता है। लेकिन आइए 2011 की सूची पर वापस जाएं, जब समिति को तिजोरी की जांच करने के लिए कहा गया तो क्या हुआ? अन्य तहखानों के समान उन्होंने पाया कि तहखाना बी भी शुरू में बाहर की ओर लोहे के दरवाजे से तथा अंदर की ओर लकड़ी के दरवाजे से सुरक्षित था, लेकिन दोनों को खोलने के बाद वे एक बड़े एंटी चैम्बर में प्रवेश कर गए और अंततः किंवदंतियों में वर्णित रहस्यमयी लौह द्वार से उनका सामना हुआ। यह उनके सामने खड़ा था। द्वार के दोनों ओर दो खतरनाक सांप उकेरे हुए थे, लगभग उनका मजाक उड़ाते हुए उन्हें प्रवेश करने के लिए चुनौती दी, और यद्यपि उन्होंने इसे खोलने में काफी समय बिताया, कोई भाग्य नहीं था। गेट पूरी तरह से बंद था। ज्वेलरी ट्वाई ने वॉल्ट बी की इन्वेंटरी प्रक्रिया के साथ आपके सिर पर दबाव नहीं डालने का निर्णय लिया। राज परिवार की अपील सुनना और उसे छोड़ देना एक रहस्य है जो शायद कभी सुलझ नहीं पाएगा, लेकिन निश्चित रूप से कुछ अफवाहें होंगी, है ना? किसी को तो कुछ अंदाजा होगा कि दूसरी तरफ क्या है। फोर्ब्स के एक लेख में दावा किया गया है कि यह द्वार कक्षों के एक नेटवर्क की ओर खुलता है, जिसमें एक कमरा भी है जो पूरी तरह से सोने से बना है, लेकिन इसका कोई सबूत मौजूद नहीं है। इसका सबसे अच्छा स्पष्टीकरण वरिष्ठ पत्रकार मालिंको गोपाल कृष्णन ने दिया है, जो कहता है कि वॉल्ट बी में वास्तव में क्या रखा है इस बारे में कोई ऐतिहासिक या समकालीन दस्तावेज उपलब्ध नहीं है या इसकी संरचना कैसी है, लेकिन केरल के राज्य अभिलेखागार में ताड़ के पत्तों से संबंधित लाखों दस्तावेज मौजूद हैं। 1336 वर्ष पहले की बात करें तो इनमें से कई की व्याख्या विशेषज्ञों द्वारा नहीं की गई है, लेकिन जो लोग हुए हैं वे सैकड़ों वर्षों से आम लोगों, व्यापारियों, राजाओं और अन्य लोगों द्वारा मंदिर को दिए गए दान का लेखा जोखा रखते हैं। लेकिन अंदाजा लगाओ कि क्या है? इन असंख्य दानों में से अधिकांश का वर्ष की सूची में कोई हिसाब नहीं था। वर्ष 2014 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अंततः इस विषय पर अपना फैसला सुनाया कि मंदिर के रखरखाव का नियंत्रण किसके पास रहेगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में लगभग एक दशक तक चले मुकदमे के बाद त्रावणकल शाही परिवार ने मंदिर वॉल्ट बी के रखरखाव पर नियंत्रण वापस जीत लिया। पद्मनाभ स्वामी मंदिर के अंतिम द्वार के रूप में भी जाना जाता है, हमेशा के लिए एक रहस्य बना हुआ है और इस प्राचीन को सही करता है। यह मंदिर इतिहास के पन्नों में दर्ज है तथा हमें याद दिलाता है कि कुछ रहस्यों को गुप्त ही रखा जाना चाहिए।